मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अच्छे दिन आ गए हैं। कपिल शर्मा का शो एक तरफ से शुरू होने जा रहा है तो दूसरी तरफ अब उनकी शादी उनके प्यार से हो रही है। 16 सुनने में आ रहा है कि 12 दिसंबर को कपिल शर्मा अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिनी चतरथ से शादी करने जा रहे हैं। अपनी शादी का कार्ड कपिल ने ट्वीट पर शेयर करते हुए आशीर्वाद की मांग की है। कपिल शर्मा और गिनी चतरथ मुलाकात 13 साल पहले हुई थी। दोनों की दोस्ती ग्रेजुएशन के टाइम से है। साल 2005 में जब कपिल IPJ कॉलेज में थे तो पॉकेट मनी के लिए नाटक के डायरेक्टर भी थे। एक स्कूल में कपिल ऑडिशन लेने के लिए वहां गिनी भी ऑडिशन के लिए पहुंची थी। यहां कपिल और गिनी पहली बार मिले थे। कपिल ने बताया कि गिनी उस वक्त 19 साल की थी और कपिल 24 साल के। ऑडिशंस के बाद कपिल गिन्नी से काफ़ी इम्प्रेस हुए। लड़कियों का ऑडिशन कपिल ने गिन्नी से पहले ही लेने को कह दिया। कपिल ने बताया कि गिन्नी को हमने फाइनल कर लिया था और जब हमने रिहर्सल शुरू की तो गिन्नी मेरे लिए खाना लाती थी। कपिल को लगा कि वह ऐसा रेस्पेक्ट देने के लिए कर रही है, लेकिन गिन्नी ने बाद में बताया कि वो कपिल को देखते ही लाइक करने लगी थी, इसलिए खाना लेकर आती थी। कपिल के दोस्त भी उसे चिढ़ाते थे और कहते थे कि गिन्नी उसे बहुत पसंद करती है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि हाँ ये सच है और वो मुझे पसंद करती है। बीच में हो गया था ब्रेकअप। कपिल शर्मा ने बताया कि गिन्नी ने मुझे बहुत कम उम्र से काम करते हुए देखा था। हमारे बीच बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। बाद में काम करने मुंबई आ गया था लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद मैंने गिन्नी के सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि मुझे लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वो मुझसे अमीर थी, उसकी कास्ट अलग थी। हालांकि जब मैंने दोबारा ऑडिशन शुरू और सफल हो गया तो गिनी ने फ़ोन करके मुझे मुबारकबाद दी थी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।